हे ड्रीम आर्मी, क्या हाल है तुम सब लोगों के। मैं तुम सबका होस्ट ड्रीम बॉय बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। तो आज की इस वाली वीडियो के अंदर मैं तुम सब लोगों को ग्रैनी गेम्स के अंदर जो पेंटिंग्स होती हैं उन सब का मतलब बताने वाला हूँ। मतलब यार, मैंने ग्रैनी की आइज भी ढूंढ ली है। मतलब तुम्हें पता होगा, जो ग्रैनी की आंखें हैं उसके अंदर पुतलियां नहीं है, जैसे तुम इस फोटो में देख सकते हो। सो भाई, ग्रैनी की आंखों में पुतलियां क्यों नहीं है, क्या रीजन है, बताने वाला हूँ। और मैंने उसकी पुतलियों को ढूंढ निकाला है, ठीक है गाइस, वो इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। और सेलेंड्रिना, जिसको नहीं पता सेलेंड्रिना कौन है, एक बार मेरी ग्रैनी की स्टोरी जाके देख लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। और मैंने आज की इसी वाली वीडियो के अंदर सेलेंड्रिना को भी दिखाया है। सो चलो यार, ये वाली वीडियो होने वाली है काफी बढ़िया, तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहली जो फोटो आती है, ठीक है गाइस, ये रही वो पेंटिंग। सो भाई, इसके अंदर ये सेलेंड्रिना, अगर तुम गौर से देखो तो ये तुम्हें एक सेलेंड्रिना की आईज दिखेगी, बीच में नोज और ये ट्रायंगुलर सा और थोड़ा चौड़ा सा फेस, मतलब मुंह, माउथ, और इसके बाल भी बिखरे पड़े हैं। और जहाँ तक है ये एक शायद झाड़ू पे बैठी है, इतना कुछ ठीक से दिख नहीं रहा, बट तुम सेलेंड्रिना बिल्कुल क्लियर देख सकते हो। सेलेंड्रिना मतलब साफ पता चल रहा है कि भाई ये सेलेंड्रिना है। और जिसको नहीं पता सेलेंड्रिना, दोबारा कह रहा हूँ, एक बार मेरी स्टोरी जाके देखो, वो रियल स्टोरी है, बिल्कुल रियल। सो भाई, ये है सीन, ये है सेलेंड्रिना। ओके गाइज, अब जो दूसरी पेंटिंग आती है, ग्रैनी की आंखें। सो ये देख सकते हो तुम, ग्रैनी की आंखें ये हैं। मतलब भाई, ये देख सकते हो तुम, थोड़ा थोड़ा वाइट वाइट शेडेड पार्ट जो अपनी आंखों के अंदर होता है, और बीच में ब्लैक पार्ट होता है जिधर की तरफ से हमारा फोकस बनता है आई का, जिधर लाइट रिफ्लेक्ट होती है। सो ये वही वाला पार्ट है। और तुम, ये है आईज भाई, बिल्कुल क्लियर तुम देख सकते हो। अपने गेम में भी जाके देखना, पूरी वही सीन है। मतलब भाई, बहुत बढ़िया, पूरा वही सीन है आँख का। और जैसे ग्रैनी की आँखों के अंदर आँख नहीं है, मतलब पुतलियाँ नहीं है, तो ये रही उसकी पुतलियाँ, देख सकते हो तुम, पेंटिंग के अंदर लगा रखी है। गेम रियली यार काफ़ी डरावना गेम है, अगर तुम हेडफोन लगा के और डार्कनेस बढ़ा के खेलो। सो अब चलते हैं अपनी थर्ड पेंटिंग की तरफ। सो थर्ड पेंटिंग भी हमारी किचन के अंदर है। और ये वाली पेंटिंग देखो, ये वाली पेंटिंग देखो, सच बताऊँ तो बंदे की है जिसका शरीर काटा हुआ है। इधर की तरफ तुम देख सकते हो, थोड़ी रेडनेस नहीं है, बट जैसे हम इधर की तरफ आते हैं, नीचे की तरफ, तो यहाँ पे रेडनेस काफ़ी ज़्यादा है। सो क्या हुआ था, देखो, जब भी हम वहाँ पे जाते हैं डे फाइव में, डे फाइव जैसे अपना ख़त्म होता है, तो ग्रैनी कई बार एक कटर से हमें काट देती थी। सो भाई, ये वही बंदा है, उसकी मतलब फेस जो है, फेस का मतलब पूरी बॉडी कटर से काट दी है ग्रैनी ने, और ये उसका ब्लड पड़ा हुआ है, और साइड साइड में फर्श है, और ये उसका ब्लड है, ठीक है गाइज। तो अब अपनी फोर्थ पेंटिंग की तरफ चलते हैं। सो ये देखो गाइज, यहाँ पे चलते तो देखो, मेरे को ये थोड़ी थोड़ी सी पता नहीं क्यों ग्रैनी जैसी दिख रही है, बट इन तीनों पेंटिंग को मैं इतना ढंग से समझ ही नहीं पाया यार, पता नहीं क्यों, ये बहुत अजीब पेंटिंग है। मेरे को तो यार ये ग्रैनी जैसी लग रही है बीच में, अगर मैं सेकेंड पेंटिंग की तरफ चलूँ। सो भाई, ये देख सकते हो, मेरे को कुछ समझ नहीं आया इस पेंटिंग के अंदर, कहाँ गई भाई, नीचे गिर गई वो। तो देखो, मैं इसकी फोटो दिखाता हूँ यहाँ पे। मेरे को तो इस पेंटिंग के अंदर कुछ समझ नहीं आया, मतलब कुछ भी समझ नहीं आया, इसका मतलब क्या है, अगर तुम्हें पता है तो प्लीज़ बताना। और ना मैं इसको समझ पाया भाई, इसका क्या सीन है, ये पेंटिंग में है क्या ऐसा, इनको मैं बिल्कुल नहीं समझ पाया, ठीक है। अब चलता हूँ मैं अपनी दूसरी पेंटिंग की तरफ। सो दूसरी पेंटिंग इधर दिख जाएगी तुम्हें, देखो गाइस, अब इस पेंटिंग के अंदर ये जो है, जब ग्रैनी भाई तुम्हें मारती है अपने बैट से, तो ये ब्लड है, मतलब जो बंदा हमसे पहले सर्वाइव कर रहा था उसके उसको बैट से मारा था, और उसका जो ब्लड था वो यहाँ पे गिरा था, मतलब उस बंदे का सर यहाँ आके लगा था और उसका ये ब्लड था। और अगर हम मेन गेम में जाते हैं तो इसके पीछे एक लीवर आता है जिसको खोलने पर वहाँ बुक शेल्फ रखा होता है और वो खुल जाता है, और उधर आते हैं उसकी ग्रैनी के बेटे की, मतलब शरीर होता है जो बेटे का शरीर। सो वो वाली वीडियो देखनी है तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, बहुत बढ़िया वीडियो है वो वाली भी। सो गाइस, ये मैंने तुम्हें कुछ पेंटिंग्स दिखाई, और ये साइन और दिखा देता हूँ मैं, जो हमसे पहले सर्वाइव करा था उसका साइन है, मतलब वो लिखता था यहाँ पे कि मेरे को 5 दिन हो गए हैं। सो और ये सब, ये ब्लड ही है जो जो यहाँ पे लगा हुआ है ना, तुम मतलब इतना गौर से देखा करो तो भाई, ये सब कुछ ब्लड है। सो गाइस, ये थी वीडियो। अगर यार कोई पेंटिंग मेरे को मिली ना यार, रह गई हो जो मैं ढूंढ ना पाया हूँ, और वो रह भी गई हो, तो प्लीज़ यार माफ़ कर देना। अगर ये वाली वीडियो पसंद है तो यार एक लाइक करना, कहीं भी हेल्पफुल रही तो ज़रूर लाइक करना, और इसे शेयर ज़रूर करना, और एक कमेंट भी छोड़ कर जाना। और अगर नए आए हो चैनल पे तो भाई सब्सक्राइब जरूर करना, और बेल आइकन भी दबा देना। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।